आवाज। आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ विलेज के बारे में कुछ बताते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, इसको ट्यूवल बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे बट मुझे इतना ही पता है। इसके एक मोटर पीछे लगी होती है, जब वो स्टार्ट होता है तो इससे पानी निकलता है। यहाँ छोटा सा हॉल होता है, ये पानी से भर जाता है। फिर हम इस पानी को सारे एरिया में जहाँ जहाँ पानी इन फसलों को ज़रूरत होती है वहाँ तक पानी को पहुँचाते हैं। तो लेट्स सी, आगे बताते हैं आपको। यानी ये फूड है हमारी भैंसों का, बफलों का, गाँव का। तो ये सारा हम इधर से तोड़ते हैं, तो हम आपको वो मशीन भी दिखाएंगे जिसमें इसको काटते हैं। तो ये वो हमारी जो भैंस जो भी एनिमल हैं वो इसको खाते हैं। तो स्टाला बोलते हैं, ये देखिए ये सारा वही लगा हुआ है। तो आगे हम आज आपको बहुत सारी और चीज़ें भी बता दें। ये हमारी गाय हैं, ये देखिए ये गाय हैं। और आज जो मिली जो लाइके इसे छोटा छोटा सा हो जाता है और ये ढेर लग जाता है। फिर हम इसको उठाते हैं और देखिए इनकी वो जगह होती है तो इसको भर देती है ना, तो फिर ये खाती हैं। ठीक है, ये बहुत कम रह गया है, इसको कॉलिंग हम करते हैं नलका। जब हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें पानी आता है, बट अभी आ नहीं रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, बट यहाँ से पानी आता है, मगर शायद ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, व्हाटएवर, नहीं पता। बट ये नलका है, इसकी ये ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी तो आ जाता है मगर पानी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, खैर है। ये देखिए इसको, ये जो हमारी गौ भैंसे सारा जो उनका गोबर होता है उसको हम लोग गाँव की लेडीज, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, पाकिस्तान की लेडी, कहीं गाँव में ये है आज तक, आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हमें कहीं की ये चीज़ें मिलेंगी, उनको हम टुगेदर करते हैं अच्छा सा ऐसे गूंद के, फिर उसके छोटे छोटे पेड़े बना के फिर ऐसे लगाते हैं। ये देखिए आपको फिंगर नज़र आ रही है, हम इसको बाल के साथ लगा देती है। जब ये ड्राई हो जाता है हम इसको ऐसे खोल के ऐसे धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, जैसे ये पड़ी हुई है, फिर इनको तोड़ के तो इसकी आग बनाते हैं। सो आगे देखते हैं। ये देखें, ये हमारे किसान हम सब ये सब्जियाँ भी लगाते हैं। ये अभी वाटरमेलन की ये बेलें निकल रही हैं और इन बेलों के साथ आप नोट करें कि ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स जो हैं वो मेलन की शेप आस्ता आस्ता ले लेंगे। तो इसी तरह हमारे पूरे लैंड में मेलन बनेंगे, जब मेलन पक जाएंगे हम उसे मज़े से तोड़ेंगे, खाएंगे। लगाई होती है उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा लगाया होता है कि रात को छोटे छोटे एनिमल आते हैं वो कहीं तोड़ के इनको ख़राब ना कर दें, और उनको ये लगे कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो वो थोड़े से स्केयर हो जाते हैं और इन फसलों को ख़राब नहीं करते। ठीक है, हमें ये देखें, ये इसको कॉलिंग करते हैं मोंगरा। समटाइम हम इसकी सब्जी वेजी बनाते हैं रोटी फुलके के साथ खाने के लिए, समटाइम हम इसको रोटी के अंदर भी डालते हैं, और मतलब वेजी बनाएं, सालन बनाएं, तरकारी बनाएं, मतलब आप इसको, ये देखें ये फ्लावर जब ये पक जाते हैं तो लाइक ये शेप लाइक ग्रीन पली इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये है मोंगरा। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें लगी हैं। ये लहसुन है,
ये किस तरह जमीन में इसकी गच्छी जो गोल गोल होती है वो जमीन के अंदर होती है। तो जब ये पक जाते हैं तो हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, और बस फिर यूज करते हैं। तो ये क्या है जरूर गाइस, ये देखें, ये है किसान के इस वेदर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज वीट, यानी जिसकी हम रोटी बनाते हैं, जिसका आटा की डो आपको सिखाई थी, वो वाइट आटा जो होता है वाइट, वो इससे निकलता है। ये देखें, जब ये ऑलमोस्ट ये फसल पकने वाली है, जब लाइट गोल्डन हो जाएगी तो समझो ये फसल कट गई। फिर इसको हम काटेंगे मशीन की मदद से, इसके अंदर से दाने निकलेंगे और उससे हमारा आटा बनेगा, ठीक है। ये देखें, ये फसलें कहाँ तक गई हैं, सबसे खूबसूरत मंजर है ये किसान का। वह पूरी दुनिया में जो चीज़ ब्रेड है, रोटी है, आटा है, जो कुछ भी है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े की डो है, एवरीथिंग का सबसे ज़्यादा तल्लक इस चीज़ से है। तो ये है जी गन्नम, ठीक है, गौर से देखें, हम इसे पंजाबी में बोलते हैं सिट्टा। देखें ज़रा कैसे फुल हुआ हुआ है माशाल्लाह। चले अच्छा, आप ये बताओ आपका नाम क्या है और तेरा क्या नाम है? अबू बकर। तुम की करना है, तड़ी अपनी प्याली है, ये कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी लैंड है। तो इस दे विच की लग गया है हरबूजा और अच्छा वाजी वाह। तो जब ये बड़े हो जाएंगे फिर आप खाते हो कि इसको क्या करते हो? शहरों में बेचते हो, मजे मजे के खुद भी खाते हो, मुझे भी दोगे? ठीक है, दावते नाज को भी देना, ठीक है। ओए सामने आ तू, आपको मेलन अच्छा लगता है, दवाना अच्छा लगता है? ओए मजे मजे का, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सामने आना, तीसरी क्लास में, थर्ड ग्रेड में हो, वाजी वाह। अच्छा जब ये पक जाएंगे तो मुझे बताना, मैं आऊंगी खाने के लिए, ठीक है, ओके बाय, ठीक है, मेहरबानी। अरे ये क्या है, ये है कई, मतलब वो औजार है जब वो हमारी बफलो वगैरह ये गोबर करती हैं, तो जो भी किसान होते हैं इससे इसे क्लीन करके तो यहाँ पे ढेर लगा देते हैं। ये देखें जरा, ऐसे करके ऐसे साफ करते हैं, ऐसे करके, और इसमें दिखाएंगे पाकिस्तान की खूबसूरती, अच्छी अच्छी बातें। तो बाय, तब तक के लिए जाती हूँ।